नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पीएम मोदी नाराज, ली अधिकारियों की क्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क क्षेत्र से संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएमओ ने एक वक्तव्य में बताया कि उन्होंने सभी सचिवों से कहा है कि वे शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएं। प्रधानमंत्री ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की नवी बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। ये एक आईटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों से संवाद करते हैं। एयर इंडिया के कनिष्क विमान धमाके का दोषी इंद्रजीत सिंह रेयत रिहा। एयर इंडिया कनिष्क में 1985 में हुए विस्फोटों के एकमात्र दोषी इंद्रजीत सिंह रेयत को बुधवार को कनाडा के जेल से रिहा कर दिया गया। विमान में हुए विस्फोट में उसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। पैरोल बोर्ड ऑफ कनाडा के प्रवक्ता ने भी रेयत की रिहाई की पुष्टि की है। विमान जब लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, उसी दौरान पहला विस्फोट आयरलैंड के तट पर हुआ। दूसरा विस्फोट जापान के नरिता हवाई अड्डे पर हुआ, जिसमें सामान उठाने वाले दो कर्मचारी मारे गए थे। कर्नाटक में महिला अधिकारी को महंगा पड़ा मंत्री का कॉल होल्ड रखना। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के लिए उस वक्त शर्मिंदगी की स्थिति बन गई जब एक मंत्री ने एक वरीय महिला पुलिस अधिकारी के तबादले में अपनी भूमिका बताई। मंत्री का मोबाइल फोन होल्ड पर रखने के कारण अधिकारी का अचानक तबादला कराने का दावा करते हुए मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि श्रम मंत्री पीटी परमेश्वर नाइक दावा कर रहे हैं कि बेल्लारी जिले में कुडलिगी की पुलिस उप अधीक्षक अनुपमा शेनाई का तबादला करा दिया गया।